प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का, दूसरे चरण की लड़ाई मुस्लिम आरक्षण पर आई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर राजस्थान के दौरे पर, टोंक के उनियारा में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर बरसे। हनुमान जयंती पर, यानी आज हनुमान जयंती पर, उन्होंने भाषण की शुरुआत ही बजरंग बली की जय के साथ की। फिर कर्नाटक का एक किस्सा भी सुनाया। पीएम मोदी ने कहा कि 2011 में कांग्रेस ने एससी एसटी को मिला अधिकार छीनकर मुसलमानों को देने का प्रयास किया। कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की। कांग्रेस के नेता दलित और पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करते हैं और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए खास जमात को आरक्षण देना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कारण ये लागू नहीं हो पाया। कांग्रेस ने मोदी के भाषण पर निराशा व्यक्त की है। इसी मुद्दे पर आइए करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट देखें। पीएम ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण चाहती है कांग्रेस। तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था। पीएम का आरोप, कांग्रेस एससी एसटी के आरक्षण को कम करके मुस्लिमों को देना चाहती है। एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। मोदी ने कहा, कांग्रेस स्त्री धन को ढूंढेगी, ज्यादा संपत्ति हुई तो छीन लेगी। मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। पीएम का आरोप, कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा का पाठ करना भी गुनाह। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। कांग्रेस का जवाब, पीएम के बयान से लोगों में निराशा। दूसरे चरण की लड़ाई मुस्लिम आरक्षण पर आई। दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा में, उनका परिचय कराते हुए स्वागत करते हैं। बाकी मेहमान भी धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शैलेंद्र गुर्जर जी बीजेपी नेता हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र गुर्जर जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण को लेकर यह कहा कि खास तबके को आरक्षण देने के लिए, एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को छीनकर धर्म के आधार पर कांग्रेस ये आरक्षण धर्म के आधार पर करना चाहती है, क्या इसका जवाब, ये जो आज बयान दिया गया है, इसको इस जवाब के तौर पर देखा जाए बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, कि आपके ऊपर ये आरोप लगाए गए कि सरकार आपकी आती है तो संविधान में बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी? सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम के भक्त, वीरों के वीर महावीर बजरंगबली हनुमान जी की जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं और प्रभु श्री राम के भक्त का को नमन करता हूं। जहां तक रही आपकी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है वो बताता है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या रहा है और कांग्रेस पार्टी ने जिस मुस्लिम धर्म को आरक्षण देने की बात की है, कर्नाटका में भी ये बात रख चुके हैं और उन्होंने पहले मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण दे भी रखा था जो कि संविधान के खिलाफ था, कानून के खिलाफ था। तो कांग्रेस पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जो इन्होंने न्याय पत्र लाए, बिल्कुल उस पर मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। क्योंकि आप देखिए कि आरक्षण जातिगत आधार पर दिया जाता है, वर्गों को दिया जाता है, धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता। और जहां तक रही बात कि उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा, संपत्तियों की जांच, उस पर आता हूं, एक मिनट आता हूं। पहले आरक्षण की बात करिए, आरक्षण की बात करिए और बताइए कि अगर, एक मिनट सर, एक मिनट आ रहा हूं ना, जरा सर प्लीज। तब से उन्होंने भारत के आरक्षण की बात, ये बताइए कि उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण दिया था तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उसको कहा कि असंवैधानिक है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन तो बात खत्म है, फिर अब क्यों कहा जा रहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, संविधान बदलेंगे? सोच की बात है कि उनके मैनिफेस्टो से झलकता है
कि आप 50% आरक्षण बढ़ाएंगे, जैसे आपने कर्नाटका में देने की कोशिश की, कर्नाटका में दिया, चुनावी घोषणा पत्र में भी आपने कहा, और यही बात लगती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है तुष्टीकरण का, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम समुदाय को अपीजमेंट की पॉलिसी के तहत, आप देखिए, भारत के धर्म के आधार पर टुकड़े किए, इनके इंदिरा गांधी जी ने गौ रक्षकों संतों पर गोलियां चलवा दी, इन्होंने वक्फ एक्ट को पावरफुल बना दिया, उसको पुराना वक्फ एक्ट रिपील कर 1996 में नया एक्ट लेकर आए, उसको अत्यधिक शक्तियां देने का काम किया, किस तरह से इन्होंने आगे चलकर मुस्लिम भाइयों को जो सामाजिक आर्थिक उत्थान होना चाहिए था उससे उनको वंचित रखा। ठीक है, नितिन सारस्वत जी भी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और मेरे साथ राजीव जैन सर भी वरिष्ठ पत्रकार के राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए हैं। नितिन सारस्वत जी, गांधी ने शरीयत को संविधान, नितिन सारस्वत जी आज का टॉपिक ही यही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो बयान सामने आया और कांग्रेस की तरफ से जो सफाई सामने आई, दूसरे चरण की लड़ाई मुस्लिम आरक्षण पर आई। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था तो मैं कहीं टीवी पे एक व्यूअर्स का जो जनता के बीच में गए थे वो सुन रहा था कि सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है, हमें मंदिर और मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब फर्स्ट फेज खत्म हुआ और फर्स्ट फेज में जिस तरीके के रुझान सामने आए और जब इन्हें सरकार जाती हुई दिखी, तो उसके बाद में प्रधानमंत्री जिस स्तर पे आ रहे हैं किसी ने भी यकीन नहीं किया। सारस्वत जी, जरा इस बात को भी जरा जवाब दे दीजिए कि फिर जब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बीजेपी को लेकर ये भविष्यवाणी की गई कि ये संविधान को खत्म कर देंगे, देश में कभी चुनाव नहीं होंगे, तो फिर इन्होंने, आपने भविष्यवाणी की, अब बीजेपी की तरफ से कहा गया कि 2011 में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण दे दिया था, वो तो भला हो, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, ये तो असल में जो कांग्रेस सरकार ने किया वो बताया है, आईना दिखाया आपको। देखिए रविंद्र जी, मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं कि हमारे घोषणा पत्र में भी आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, मैं जानता हूं आप बहुत ही वरिष्ठ एंकर है, आप पढ़ के आए होंगे कि उसके अंदर कहीं भी हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जिस तरीके से 22 जो मोदी जी के मित्र है उनकी संपत्ति 70 करोड़ लोगों के, हिंदुस्तानियों के बराबर है, उसके ऊपर जिस तरीके की बेरोजगारी, महंगाई, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अंदर आर्थिक सर्वे का जिक्र है आपके, जिस तरीके से आपके न्याय पत्र में आर्थिक सर्वे का जिक्र है क्या, ये हालत आर्थिक सर्वे का जिक्र है क्या आपके न्याय पत्र में? हाँ रुकिए, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल सुनिए। देखिए सबसे पहली बात तो वहां पे कहीं भी मुसलमान शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है, हिंदू मुसलमान शब्द का कहीं जिक्र है तो मौलाना, दूसरी मौलाना आजाद छात्र को फिर से चालू करेंगे, रविंद्र जी है कि नहीं है? रविंद्र जी कंप्लीट होने दीजिए, रविंद्र जी कंप्लीट होने दीजिए, कंप्लीट जवाब दीजिए ना। लेकिन जातिगत जनगणना और तमाम संपत्तियों का और तमाम चीजों का सर्वे की बात कही थी और वही सर्वे बिहार में कराया था और जेडीयू ने, आरजेडी और हमारे साथ मिलकर कराया था, आज वही जेडीयू आज इनकी गोद में बैठे हुए जिसके साथ ये चुनाव लड़ रहे। अगर इन्हें इतनी दिक्कत थी उस सर्वेक्षण से जिसके अंदर हमारे चाहे एससी भाई हो, एसटी भाई हो, मुस्लिम भाई हो, और माइनॉरिटीज में आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, केवल मुस्लिम भाई नहीं आते, माइनॉरिटीज के अंदर कई सारी हमारे, अरे मेरे को ये तो बता दीजिए नितिन जी, कांग्रेस की सरकार ने धर्म के आधार पर आरक्षण दिया था नहीं दिया था, याद करा दीजिए ना, आप कह रहे हैं कि ध्यान भटका रहे, दिया था कि नहीं दिया था? मैं आपको ये देखिए रविंद्र जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्या हमारे घोषणा पत्र के अंदर कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण का जिक्र है? अगर जिक्र है तो आप बता दीजिए। ठीक है, आपने जाति का जनगणना का जिक्र कर दिया। आशुतोष रावत सर, आशुतोष रावत जी ये बताइए कि मुझे याद आता है केवल ध्यान भटकाने, राजीव गांधी के वक्त का वो दौर, कांग्रेस के वक्त का वो दौर, जब गांव में नारे लिखे जाते थे, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और ये खुद बड़े फक्र के साथ यहां पर कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना की हम बात कर रहे हैं। अरे भाई किस चीज की जातिगत जनगणना, क्या मतलब है इसका? धर्म के आधार पर आप नहीं ठीक जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जात के आधार पर क्यों आखिर जनगणना की बात कर रहे हैं? आशुतोष जी आपका टाइम नहीं, नितिन जी आपका टाइम अभी नहीं है। देखो आपको दिक्कत, आपको दिक्कत है, देखिए प्रधानमंत्री जी को दिक्कत नहीं है, वो जेडीयू के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये भी तो बताइए कि जेडीयू के साथ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप आधी बात बता रहे हैं। आप आशुतोष जी से ये भी पूछ लीजिए, अगर उनको वहां दिक्कत है वहां पे दिक्कत नहीं है? अरे तो जेडीयू ने क्या कर लिया आरजेडी के साथ मिलकर, जब पहले सरकार में थी, जाति का जनगणना का आंकड़ा जारी करने के बाद क्या भला कर लिया उन्होंने, क्या भला कर लिया था उन्होंने?
अरे उनके भी एजेंडे में शामिल है रविंद्र जी, उनके भी एजेंडे में शामिल है। आप कम से कम आज देश की जनता महंगाई बेरोजगारी और जितना जिस तरीके की लूट हुई है इलेक्ट्रोल संविधान खत्म करने की बात, देश में चुनाव ना होने की बात कांग्रेस करे तो ठीक है, अब आप महंगाई की बात करें उस पर भी बात हो रही है, बेरोजगारी पर भी बात हो रही है। एक जवाब शैलेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर एक मिनट शैलेंद्र जी जल्दी से कमेंट आप जो कहना चाह रहे थे। चाहे लल्लू सिंह जी हो, ज्योति मिर्धा जी हो, उनपे कार्यवाही हुई क्या? अगर वो बोल रहे थे तो उनपे बीजेपी ने क्या कार्यवाही की? अगर ये झूठा है तो नितिन जी एक मिनट, शैलेंद्र जी कुछ आप बोल रहे हैं जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर आशुतोष जी का जवाब। मैं इनको याद दिला देता हूं, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में यह लिखा गया है कि हम पर्सनल लॉज को तरजीह देंगे, हम अल्पसंख्यक जो कानून है संविधान में मौलिक अधिकार है उनको सुरक्षित करेंगे, इनकी भाषा संस्कृति खान पान को सुरक्षित करेंगे। तो आप बताइए ना, पर्सनल लॉ किसको कह रहे हैं? वो तो ये बताएंगे, लॉ किस पे लागू हो रहा है भारत में? सिर्फ मुसलमान भाइयों पर? तो फिर ये क्या बात करेंगे? ये कांग्रेस का इतिहास बताता है, जिस तरह से राजीव गांधी जी ने शाहबानो वाले मैटर में शरीयत को संविधान से ऊपर रखा था, कांग्रेस पार्टी भी मुस्लिम लीग के शरीयत पर्सनल लॉ को संविधान से ऊपर रखती है, इसीलिए यह बात कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ऐसे ही हवा में बात नहीं करते रविंद्र जी, हम तथ्यों के साथ बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। 26 तारीख को चुनाव होना है, प्रचार का ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कैसे देख रहे हैं ये पूरा जो कैंपेन खासतौर पर राजस्थान में राष्ट्रीय और राज्य के नेताओं की तरफ से चलाया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं? देखिए रविंद्र जी, 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है, राजस्थान की 13 सीटों पर यह मतदान होना है और पहले 12 सीटों पर जो मतदान का प्रतिशत रहा उसको लेकर के दोनों बड़े राजनीतिक दलों के अंदर एक अजीब सी उठापटक की स्थिति है, ये हम सबके साथ सबको पता है। एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी बढ़े हुए मत प्रतिशत को लेकर के कुछ अलग अलग तरह के उनके अंदर कन्फ्यूजन है, तो कांग्रेस के अंदर भी कई अलग तरह की कन्फ्यूजन है। इसलिए यह जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमले तीखे हो रहे हैं, व्यक्तिगत हो रहे हैं और जिस तरह की चीजें राजनीति में नहीं होनी चाहिए वो हो रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर नरेंद्र मोदी ने आज हिंदू मुसलमान की कहीं बात की है तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी अपने हिडन एजेंडे को उजागर किया है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से हिंदुओं के समर्थक पार्टी के तौर पर अपनी छवि देशभर के अंदर रखती है, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में और राहुल गांधी के बयान से अगर कुछ जनता कंफ्यूज हो रही है या नरेंद्र मोदी उस स्टेटमेंट का फायदा पॉलिटिकली उठा रहे हैं तो यह कांग्रेस के रणनीतिकारों को सोचना चाहिए कि यह ऐसा मिसमैनेज मैनेजमेंट क्यों हो रहा है कि उसके उनके मैसेज के कुछ अलग तरह के अर्थ राजनीतिक दल निकाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की वाकपटुता से हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को अगर कोई मुद्दा मिलता है तो वो उसको बुनाने से चूकते नहीं है। एक ऐसा मुद्दा कर्नाटका की एक सभा में मैनिफेस्टो के साथ में कर्नाटका की एक सभा में राहुल गांधी ने अपने एक वक्तव्य के माध्यम से दिया कि हम संपत्ति का एक्सरे कराएंगे, लेकिन ना वह उस स्टेटमेंट में वो जाति का वर्णन कर रही है ना धर्म का कर रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया है और एक राजनीतिक दल के तौर पर एक बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगता है कि इस मुद्दे को उठा करके अपने कोर वोटर को जगाने के लिए राजस्थान के अंदर। राजीव जैन सर, जैसा आशुतोष जी ने कहा कि बीजेपी अपने वोटर को जगाने के लिए और अपनी बात किस तरह से रखती है, क्या उनकी बातें रहती हैं, कैसे वो अपनी बातों को सामने रखते हैं, ये सबको पता है, इसमें कोई नया नहीं है। लेकिन ये बताइए कि 4-5 अप्रैल को कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होता है, पहले फेज के इलेक्शन हो जाते हैं, मतदान हो जाता है और उसके बाद उस दौरान तक ये संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात नहीं आती है, ना ही बात आर्थिक तौर पर सर्वे की आती है, ना ही जातीय जनगणना की आती है। क्या आप मानते हैं कि यह एक रणनीतिक शिफ्ट बीजेपी की तरफ से किया गया है, क्या इसके पीछे कारण है? राजीव जैन सर, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस ढंग से जिस अंदाज में ये अपनी बातें रखी उससे साफ जाहिर है कि उन्होंने विरोधी दलों को कहीं ना कहीं एक कटघरे में खड़ा कर दिया। विरोधी दल ये आरोप लगाते आ रहे थे कि भाजपा संविधान को खत्म कर देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी। आरक्षण पर खास जोर था कांग्रेस का, विरोधी दलों का, कि भाजपा फिर सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने उसी मुद्दे को उस रूप में लिया कि ये आरक्षण धर्म के आधार पर मुस्लिम वर्ग को दे देंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस सेंटिमेंट को छुआ जो पहले फेज में नहीं छू पाए थे। लेकिन पहले फेज से पहले जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया
जब सीधा सीधा आरोप लगा दिया था कि वो घोषणा पत्र ऐसा लग रहा है जैसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो, तो शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। जब कांग्रेस ने आरक्षण खत्म करने वाली बात उठाई तो उस मुद्दे को पूरी तरह से घेरते हुए विरोधी दलों को कहीं ना कहीं उन्होंने कटघरे में ला दिया कि ये तो मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, एससी एसटी को और जो दलित और आदिवासी समुदाय है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मोदी ने इस बात को उठाया और उस बड़े अच्छे ढंग से उठाया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस वक्तव्य को भी कि देश के संसाधनों पर पहला लेकिन शैलेंद्र जी यहाँ सारस्वत जी कह रहे हैं कि भाई महंगाई भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं करते, अपनी सरकार के किए गए कामकाज की बात क्यों नहीं करते। अभी जब आपसे पहले चर्चा कर रहा था, पहले सवाल पूछा था, तो आप तो फिर जातीय या यूं कहें कि आप तो आर्थिक सर्वे का जिक्र करने लगे। और मोदी जी ने भी आज ये कहा कि कांग्रेस तो महिलाओं के मंगलसूत्र को तक को छीन लेगी, एक्सरे कराएगी, जो बाजरे में डब्बा छिपा कर रखा है उसके पैसे तक एक्सरे करके निकलवा लेगी और एक खास तबके को दे देगी। महंगाई भ्रष्टाचार में बात क्यों नहीं? देखिए साल नरेंद्र मोदी जी का शासन जो रहा भ्रष्टाचार मुक्त शासन रहा, एक भी आरोप नहीं लगे, चाहे वो सार्वजनिक जीवन में महंगाई बेरोजगारी या भारत के प्रधानमंत्री, एक आरोप नहीं है। महंगाई बेरोजगारी हमने भ्रष्टाचारियों को खत्म करने का काम किया है, भ्रष्टाचारियों को खत्म करने का काम किया है। और रही महंगाई की बात, कांग्रेस प्रवक्ता को याद दिला देना चाहता हूं, जब यूपीए की सरकार थी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2009 से 13 तक डबल डिजिट में महंगाई दर पहुंच गई थी 12%। हमने इस भीषण महामारी और ये कौन ये एक मिनट बताइए सर, ये मतलब 7% ये एक मिनट ये बताइए आज महंगाई दर 4% है। आर्थिक सर्वे की जो बात कही जा रही है उसमें ऐसा कैसे लग रहा है, क्या आपको कैसे लग रहा है बीजेपी को कि आर्थिक सर्वे से तमाम लोगों की संपत्ति लेकर दूसरों को दे दी जाएगी? देखिए ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि इन्होंने एक विशेष धर्म के प्रति अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई है। और जो इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कह गए जब उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद में कहा कि भारत के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों का है, शक करने की वजह भी दे दी, शक करने की वजह बता दी यहां पर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नहीं कहा था, झूठ बोल रहे हैं, आप स्टेटमेंट निकलवाइए, झूठ बोल रहे हैं और आपको विरोध करना चाहिए। एक वरिष्ठ एंकर होने के नाते आपको सब पता है, आपको झूठ बोल रहा है, ये बताइए झूठ बोल रहा है। दिसंबर 2000 झूठ बोल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने राष्ट्रीय विकास परिषद में ये कहा था नहीं कहा था बताइए, रिकॉर्डिंग लाइए। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, पूरा देश जानता है माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबसे पहले बताइए सर। सारस्वत जी एक मिनट, सारस्वत जी देखिए मैंने तो पता नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा, उन्होंने मुसलमान मैं आपने जैसा मेरे को बताता है, एक मिनट नितिन जी पता नहीं मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा कांग्रेस का घोषणा पत्र, लेकिन आप चूंकि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं आपने तो जाहिर तौर पर बहुसंख्यक पूरा पढ़ा होगा। ये बताएं कि आर्थिक सर्वे के खिलाफ है कांग्रेस करने का मकसद क्या है, और ये क्या आप कहते हैं कि आर्थिक सर्वे कराकर पैसा इधर का उधर तो नहीं करेंगे? बताइए। देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने मछली मटन मुस्लिम लीग जब उनकी फर्स्ट फेज में फेल हो गई है तब आके आज जितनी महंगाई है, बेरोजगारी है, इलेक्टोरल बॉन्ड का महा घोटाला है, तमाम ये जो चीजें है, बीच में नहीं बोल रहा था, इनके ये बीच में नहीं बोल रहा था लगातार विपक्षी पार्टी को। अरे शरद जी जवाब सुन लीजिए, देखिए जो सवाल मैंने किया उसका जवाब सुनने दीजिए, वो आई नहीं रहे लाइन पर जो सवाल पूछा है। एक मिनट मुझे एक मिनट प्लीज शैलेंद्र जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारस्वत जी क्या मकसद है आर्थिक सर्वे का, देश की जनता के सामने रखा है, ये बात करेंगे सारस्वत जी आर्थिक सर्वे का क्या मकसद है? सरकार में थी बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा, शैलेंद्र जी प्लीज। देखिए रविंद्र जी चिल्लाने से राजस्थान की जनता के बीच में कुछ जाता नहीं है, ये केवल झूठ बोलता है। अरे आंकड़े देखिए बताइए ना, मैं बिल्कुल बताने देंगे तो आप चिल्लाते रहेंगे तो भाई क्या बताएगा, चिल्लाते रहेंगे
मैं ये कह रहा हूँ कि पैंतालीस साल की रिकॉर्ड बेरोजगारी, 100 साल में जो आय की समानता ब्रिटिश राज में भी नहीं थी, आज गरीब और अमीर के बीच में वो खाई पैदा हो रही है। आज किसानों के ऊपर जो किसानों के आज प्रति व्यक्ति आय में 44 नंबर पे आज, अरे तो आर्थिक सर्वे कराकर कैसे आप समानता पर ले आएंगे बताइए ना। कि इसका मतलब तो यही हुआ कि जो धनी है जिसके पास पैसा है आप उसका कमाया हुआ पैसा फिर दूर दे देंगे। बेरोजगारी थी, प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, फसल की उपज का, ये कौन सा समाजवाद है सर? बताए बजट कितना था, 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 था। अरे रुक जाओ, झूठ बोलने से रुक जाओ। आज हर हर दिन 30 किसान आत्महत्या कर रहा है, आज 3 गुना देश पे कर्ज कर दिया, आज पेट्रोल। अरे ठीक है भाई, आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना, आप जवाब लेने दे रहे हैं शैलेंद्र, ये तो ठीक बात नहीं है। मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहे हैं। एक मिनट, अब आप दोनों चुप हो जाइए जल्दी से, एक मिनट अब शांत हो जाइए प्लीज। आशुतोष जी मुझे बताइए कि आर्थिक आधार पर सर्वे करने का जो घोषणा पत्र में जिक्र किया है और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आर्थिक आधार पर ये लोगों के पैसे निकाल लेंगे, कौन सा नैरेटिव भारी पड़ सकता है प्लीज आशुतोष जी? अरे शैलेंद्र जी, अरे सारस्वत जी प्लीज एक मिनट। अरे भाई विरोधी की पार्टी करने वाले जो मैं खत्म कर रहा हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरे को 15 सेकंड दे दीजिए आशुतोष जी को, राजीव जी को प्लीज। एक मिनट देखिए, आपका गला आपको चुप कराते कराते मेरा भी गला बैठ गया। जल्दी से आशुतोष जी, किसका नैरेटिव, कांग्रेस का और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया, कैसे आप देख रहे हैं दोनों को ही, आर्थिक सर्वे कराना और दूसरी तरफ आर्थिक सर्वे कराकर लोगों के पैसे निकालना, उसका एक्सरे कराना? संरक्षण देने वाली पार्टी, चैलेंज जी प्लीज, चैलेंज जी प्लीज, किसानों को आतंकवादी कहने वाली पार्टी। अरे और दो मेहमान है हमारे साथ, प्लीज उनकी भी बात सुन लीजिए भाई। पुरानी सारी संपत्तियों को बेचने वाली पार्टी, सारस्वत जी प्लीज साइलेंट, धर्म निभाने के जाए छोड़ के भागने वाली पार्टी, तभी पार वालों की पार्टी, ये हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी, ये झूठ बौखला गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र जी, बौखला गए हैं, बौखला गए हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, चलवाने वाली पार्टी। आशुतोष जी देखिए वक्त, मैं माफी चाहता हूँ, आप देख ही रहे हैं, लेकिन बस एक छोटी सी 5 सेकंड में बताइएगा, तो आप बोलिएगा ये तो मेरे को लग रहा है आज शांत नहीं होंगे, ये बताइए कि क्या अब ये दोनों मसले जो उठाए गए हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण देना और जाति आधार पर सर्वे करा, आर्थिक सर्वे कराकर संपत्ति इधर उधर करना, ये आगे के चरणों में भी हम देखेंगे ये मुद्दे, प्लीज जल्दी से आशुतोष जी। मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाली पार्टी, ये वो पार्टी है जो ना, अब सर सारस्वत जी अगर आप लेट आए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बोलते रहेंगे दूसरों के बारे में भी, प्लीज एक मिनट शांत हो जाइए। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात नहीं करना चाहते, ये महंगाई की बात नहीं करना चाहते, ये बेरोजगारी की बात नहीं करना चाहते, ये तमाम मुद्दों को छोड़ के केवल बंटवारे से। आशुतोष जी क्या ये मुद्दे आगे भी रहेंगे, हाँ या ना सर? जो 10 साल से ये कर रहे हैं, देश का बंटवारा तो कांग्रेस ने कर दिया था धर्म के आधार पर, भूल जाते हो? मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी, चाहते थे भारत जोड़ो आंदोलन ही ना हो, अंग्रेजों के मुखबरी बन के काम किया। और आपका गला इतना बैठ चुका है सारस्वत जी, एक मिनट सारस्वत जी, इतना गला बैठ गया कि आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, थोड़ा शांत हो जाइए। मुझे नहीं बोलने देगा, अगर मेरा पार्टी का पक्ष अगर मुझे कोई नहीं रखने देगा और उसको नहीं ठोका जाएगा तो मैं दूसरे को भी नहीं बोलने दूंगा। अरे यहाँ पे बताते ना, तथ्य तो बता ही नहीं रहे, आंकड़े हैं नहीं आपके पास, तथ्य बताओ ना, तथ्य में बहस करो, झूठ और लूट की सरकार। ठीक है तो ये बहस और ये चर्चा देखी आपने, लेकिन ये तय है कि आगे आने वाले बाकी चरणों में भी ये मुद्दे साफ तौर पर उठाए जाएंगे और इसका जवाब भी दिया जाएगा, इसका पलटवार भी होगा। दुखती रग किसकी छू ली है, क्या कांग्रेस ने बीजेपी की दुखती रग छू ली है या फिर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की दुखती रग छू ली गई है? दूसरे चरण में जब मतदान होगा इसका कहीं ना कहीं असर भी क्या देखने को मिलेगा, देखते हैं। बने रहिए हमारे साथ लगातार न्यूज 18 राजस्थान के साथ, लेकिन फिलहाल आज प्राइम डिबेट में नमस्कार।